दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय चाणक्य IAS Academy, 29 years of excellence, more than 5,000 selections in IAS, IFS, IPS and so on. Admissions open. For more information, contact 7303763540. अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव पिछले कल समाप्त हो गया है और अब देवी देवता भी अपने अपने स्थानों के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं रविवार को ऐतिहासिक पड्डल में मेले में काफी भीड़ देखने को मिली, जहां बच्चे झूलों का आनंद ले रहे हैं तो लोग नए नए पकवानों का भी स्वाद चख रहे हैं। मेले में कुछ दुकानदारों को अब की बार घाटा उठाना पड़ रहा है। वहीं मेले में आए भूषण ने बताया कि उन्होंने पहली बार शिवरात्रि महोत्सव में चना, मीट और लूची का स्टॉल लगाया है और काफी महंगा स्टॉल लिया हुआ है। उन्होंने बताया कि 7 दिन से ज्यादा का समय मेले को हो गया है, लेकिन कमाई नाम मात्र ही है। उन्होंने बताया कि मेले को कुछ दिन शेष रह गए हैं और उम्मीद है कि काम सही ढंग से चल पड़े ताकि उनके द्वारा लगाए गए पैसे की पूर्ति हो जाए। जी, मेरा नाम मनीष, मैं स्कूल से बिलोंग करता हूँ और इधर अपने शिवरात्रि में फर्स्ट टाइम दुकान ली थी और बहुत ही महंगी रेट पड़ी है मेरी दुकान और दाम तो बिल्कुल जीरो है। इधर मतलब कि अभी तक दुकान का किराया भी पुरानी दुकान से और लोग इधर आते हैं, एक पूछते हैं, ये सब पुराना बढ़िया खाने का जो भी है, इधर की तरफ अभी दुकान का खर्चा निकला। लेबर इतनी रखी है, 10-12 बंदे रखे हैं, उनके पैसे देने, राशन लाना डिपर देगा 10,000 का, 10-12,000 का राशन लाना पड़ता है। फिर भी कभी वो लोग की किराए तरह सारा खर्चा नहीं होती हमारे से, मतलब दोबारा कम बने घर जैसे वालों के भी घर इतनी महंगी तो दुकान एक 1.5 लाख में ये बढ़ी है। अभी मतलब कि 1.5-2 लाख के लेबर का देना हो जाएगा और बाकी राशन का भी 1.5-2 तक पहुँच जाएंगे। पहले कम से कम हमें कभी यहाँ से अगर 5-7 लाख बढ़ना चाहिए तब जाके हम इस किराए को निभा पाएंगे, इसके बाद हमें कुछ बचेगा। पर 2.5 लाख रुपये मतलब कि इन्वेस्ट किया हमें, मतलब कि था मतलब कुछ की 2 साल बाद मतलब कि लॉकडाउन के बाद कुछ अच्छा होने वाला है, पर लेकिन उस हिसाब से काम नहीं हो पाया और सारी उम्मीदों में पानी। मेले तो इस बार पहली बार ही मतलब हमने इधर उतनी की बिना तो इससे पहले कोई भी नहीं लगाया था, लेकिन मतलब कुछ नहीं लगा, अच्छा नहीं चल रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।